हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज फिर आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो उत्तराखंड में जो एई की वैकेंसीज निकली हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, उसकी पूरी जानकारी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने साथ जो आपके कॉलेज मेट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो आपके सर्कल में स्टूडेंट्स हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज आपके साथ साथ उन सबका भी बेनिफिट होगा कि उनको भी इस नई नोटिफिकेशन के बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी और वो भी अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दे पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज मैं हर जो जॉब है जो आपके करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकती है उसकी पूरी जानकारी मैं वीडियोस के थ्रू इस चैनल पे लेके आपके लिए आता रहता हूँ। सो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो यूके पीएससी एई का जो एग्जाम है जो 1 सितंबर को जो है वो अनाउंस हुआ था, उसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं 84 वैकेंसी जो है वो अनाउंस करी गई थी, उसमें से जो है 10 वैकेंसी जो है वो मैकेनिकल की और 1 वैकेंसी सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो है वो कॉमन है। टोटल 84 वैकेंसी जो है इसमें अनाउंस करी गई हैं। ये बहुत बढ़िया मौका है सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीटेक कर रखी है। तो अगर आपने बीटेक कर रखी है और अगर आपने 21 ईयर्स में भी बीटेक कर रखी है तो भी आप इस एग्जाम में जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, पूरे इंडिया से कोई भी स्टूडेंट जो है इस वैकेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो बहुत मेरे हिसाब से ये आप सबके लिए बहुत अच्छा और एक बढ़िया मौका है कि आप स्टेट गवर्नमेंट लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं वहां पे आप जो है एज अ असिस्टेंट इंजीनियर, एज अ ग्रेड वन ऑफिसर जो है वो स्टार्टिंग में अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो जरूर फिल करें। 21 सितंबर इसके अभी लास्ट डेट है, अभी 10 दिन हमारे पास पड़े हैं इस एग्जाम को फिल करने के लिए। सो आज के आज इस वेबसाइट पे जाके यूके पीएससी वेबसाइट पे जाके वहां अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इसमें जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो एग्जाम पैटर्न वो कैसा रहेगा। इसमें आपके पास एक पहले कॉमन पेपर रहेगा, कॉमन पेपर में आपके पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी से 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका इंग्लिश है उसमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे, देन आपके जीके में से 100 क्वेश्चन रहेंगे और इनके टोटल मार्क्स 100-100 होते हैं और 2-2 आवर के ये पेपर बेसिकली जो है वो आपको पेपर जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है बट जॉब बहुत अच्छी है तो इस प्रोसीजर को हमें फॉलो कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रेपरेशन हम कर रहे हैं तो प्रेपरेशन थोड़ा डीप में डेप्थ में जो है प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन जो लाइव कोर्सेज हैं यूके पीएससी के हिसाब से जो है इस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो है वो कोर्सेज जो है ऑनलाइन में चलाए जा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन कोर्सेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे जीके है, उसकी पूरा डिटेल सिलेबस आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जाएगा। इसमें एक तो सिलेबस आपका ये रहेगा जो सारी स्ट्रीम्स में कॉमन पेपर रहना है और इसके बाद आपकी स्ट्रीम का पेपर आने हैं। आपकी स्ट्रीम के भी दो डिफरेंट पेपर्स होंगे, 180-180 मार्क्स के रहेंगे जिनका वेटेज जो है 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, 360-360 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो मार्क्स बनते हैं 1020 बनते हैं, 1020 जो है टोटल मार्क्स बनेंगे रिटर्न एग्जाम में से। जो भी स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद आपको रिटर्न जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको कॉल करा जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको फाइनल जो सिलेक्शन है उसकी मेरिट जो है वो जारी कर दी जाएगी और उस मेरिट के आधार पे आपको जो है जो भी डिपार्टमेंट मिलने हैं, जितना भी आपका रैंक आता है उसके हिसाब से आपको वैकेंसी जो है वो नोटिफाई करी जाएगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है वो अपने ध्यान रखने वाली है, वो है एग्जाम सेंटर को लेके। एग्जाम जो उसका सेंटर बनेगा वो सिर्फ उत्तराखंड के कुछ गिने चुने शहरों में ही उन्होंने जो डिफाइन करा है वहीं पे बनना है। सो आप इंडिया के किसी भी कोने में है और वहां से आप ये चाहते हैं कि हम यूके पीएससी का एग्जाम जो एई का उसको फिल करें, बट आपको एग्जाम अपीयर करने के लिए जो है उत्तराखंड मूव करना ही पड़ेगा। जो भी सिटीज आपके पास आसपास हो उन सिटीज में आप जाके वहां पे जो है एग्जाम फिल कर सकते हैं। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां लिस्ट ऑफ एग्जाम्स की जो सिटीज हैं वो आपको सारी सिटीज की जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। सो ये एक बहुत बढ़िया मौका है आप सबके लिए कि एक अच्छा एग्जाम जो है, एक अच्छी वैकेंसी जो है वो आपके लिए निकली है और इन बातों को लेके आपने डिमोरलाइज नहीं होना है, ना ही ऐसा नेगेटिविटी माहौल में जाना है कि वैकेंसी नहीं निकल रही है। मैं बार बार आपको सारी वीडियोस में कह रहा हूँ वैकेंसीज बहुत सारी निकलती हैं बट शायद हमें टाइम पे नोटिफिकेशन उनका नहीं मिल पाता है, उनके फॉर्म हम फिल नहीं कर पाते हैं। तो इस चैनल
चैनल पे आप जुड़ जाओ मेरे साथ, आपको सारी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेगी। अगर आप किसी भी तरह की यूके पीएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये एग्जाम को एज अ टेस्टिंग पॉइंट व्यू से नहीं देना है, इस एग्जाम को आपने प्रिपेयर करके अच्छे से तैयारी करके देना है, बिकॉज इसमें इंग्लिश का, जीके का और हिंदी का बहुत ज्यादा वेटेज है, जिसके अराउंड 300 मार्क्स जो है वहां पे कवर होने हैं। 1000 में से अराउंड 30% सिलेबस जो है वो कवर कर रहा है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, ट्राइड एंड टेस्टिंग के मूड से नहीं जाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ट्राइड एंड टेस्टिंग मूड पे चले जाते हैं और जिसकी वजह से बाद में वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते और उनको ऐसा लगता है कि शायद एग्जाम डिफिकल्ट है और हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट उनकी प्रेपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहता है। बट इंजीनियर्स के ग्रुप ने वो प्रेपरेशन भी जो है आपके लिए बहुत ईजी बना दी है। सो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में, आप इंडिया के किसी कोने में बैठ के हमारे लाइव कोर्सेज में आप जो है जुड़ सकते हैं। जो फैकल्टीज हमारे पास चंडीगढ़ में ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही फैकल्टीज आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। सेम क्वालिटी आपको लाइव कोर्सेज में मिलती है। लाइव कोर्स के टाइम पे टीचर आपके पास लाइव बैठे होते हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्डेड लाइव कोर्स नहीं चलते हैं, 100% लाइव कोर्स चलता है। तो हम आपको जो है लाइव पढ़ाएंगे, आपके जो डाउट्स हैं वो भी अपने लाइव जो है वो कवर कर सकते हैं। सो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप इंक्वायर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.engineerskill.in पे जा सकते हैं और आइदर हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855754242 पे जाके पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी जो है यूके पीएससी के कोर्स के बारे में ले सकते हैं। इसका डेडिकेटेड बैच जो है ऑनलाइन चल रहा है। सो हमारे साथ आप जुड़ के अपना जो सपना है यूके पीएससी एई का एग्जाम क्वालिफाई करने का हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। मैं आगे भी आप सबके लिए नई नई वीडियोस लेके आता रहूंगा, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।